दोस्तों मेहरबानी करके अगर इंसान हो, इंसानियत थोड़ी सी भी बची हो ना, तो वीडियो देख लेना। 5-10 मिनट लगेंगे भाई, लेकिन इंसानियत को जिंदा रखना है तो भाई ये वीडियो देखना जरूरी है। 5-10 मिनट प्लीज़ इस वीडियो के लिए दे देना। एक कपल है, वो क्या बोल रहा है, मतलब उस कपल में जो हस्बैंड है वो क्या बोल रहा है, एक बार सुन लो आप। अगर नॉनवेज खाना गलत है तो बनाने वाले ने, जिसने ये दुनिया बनाई, उसने ऐसा सिस्टम क्यों बनाया कि एक जानवर दूसरे जानवर को खाए? उसको ये गलत नहीं लगा, उसको दुख नहीं हुआ कि एक जानवर दूसरे जानवर को खाएगा, क्योंकि शेर कभी घास नहीं खा सकता। बनाने वाले को कभी दुखी नहीं हुआ। इसने खुद ही अपने जुबान से ये बोला है कि शेर कभी घास नहीं खा सकता। तो नॉनवेज खाने वाला जो इंसान है, उसको ऊपर वाले ने शेर क्यों नहीं बनाया, ये इसको पता होना चाहिए। ये इसका दिमाग है। भगवान ने अगर तुमको, तुम लोगों को इंसान बनाया है, इसका मतलब ये है कि तुम्हें दिमाग दिया है कि भाई तुम सही गलत समझ सको, सही गलत को सोचो कि इसमें क्या सही और क्या गलत है। ये तुमको दिख रहा है ना, ये समझ में आ रहा है, शेर कभी घास नहीं खा सकता। तुमने कभी शेर को खेती बाड़ी करते हुए देखा है? कभी किसी शेर को राशन की दुकान में देखा है? नहीं देखा ना। उसने खाया तो बात अलग है, क्योंकि वो जानता ही नहीं है, सही गलत का फैसला वो कर नहीं सकता। उसने इतना विकास किया ही नहीं है कि वो खेती बाड़ी कर सके या जॉब कर सके, जॉब करके पैसे कमा के होटल से कुछ खा सके या फिर दुकान से कुछ खरीद सके। ये उसने उतनी प्रगति की नहीं। तुम लोगों ने प्रगति की है तो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि हम इंसान हैं, हमें इंसानियत की तरह रहना चाहिए। तुम जानवरों के इंसान हो। इस दुनिया में आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जो ये कहते हैं कि जीवों पर दया करो, जीवों की हत्या मत करो। अब जीव तो मच्छर भी है, और जब वो भूखा होता है उसको एक बूंद खून चाहिए होता है। फिर कोई भी आगे नहीं आएगा जो खुद अपना खून उसको दे दे कि भाई मेरा एक खून पी लो, एक बूंद, और तुम जिंदा रह लो। फिर दया नहीं होगी, फिर क्रोध आएगा, उस समय वो उसकी हत्या कर देगा। अब इस जाहिल को, इस नालायक को ये नहीं पता कि मच्छर से क्या होता है। मच्छर से बीमारी फैलती है, और ये तभी मारा जाता है, मच्छर को तभी मारा जाता है जब उसने आपको डसा हो, जब आपको दर्द हुआ हो। तुमको कौन सी गाय घर में आके दर्द देती है? कौन सा बकरा तुमको घर में आके तुमको काटता है? कौन सा सांड तुम्हारे घर में घुसता है तुमको तकलीफ देने के लिए? तुमको शर्म भी है? तुम क्या बोल रहे हो? मच्छर का उदाहरण दे रहे हो। मच्छर जो बीमारियां फैलाता है, तुम्हारे तुमको काटता है तब तुम जाके मारते हो, या मच्छर का मांस हमें अच्छा लगता है इसलिए हम मच्छर को मारते हैं? थोड़ी सी तो शर्म इस आदमी को आनी चाहिए कि हम उदाहरण किसका दे रहे हैं। और लोग इन्हीं के वीडियो वायरल करते हैं, जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है, जो सच्चाई फैलाता है, उसकी आवाज़ कोई उठाता नहीं है, उसके वीडियो को कोई शेयर नहीं करेगा। अरे तुम इंसानों के जानवरों क्या बोल रहे हो तुम? एक और उदाहरण देते हैं, घर में चूहे होते हैं, जब वो आपका राशन खाना शुरू कर देते हैं तब आपकी दया चली जाती है, तब आप उनको चूहेदान में बंद करते हो या तो उनको जहर दे देते हो। जीवों से प्रेम तब तक है जब तक खुद पर आँच ना आए। जब खुद पर आँच आ जाती है तो यही लोग ये बोलने लगते हैं कि हत्या करना गलत नहीं। अब इस नालायक को ये नहीं पता, चूहे का उदाहरण दे रहा है, चूहा जो नुकसान करता है अनाज को। हम चूहा बाहर ढूंढने नहीं जाते, कहीं पर चूहा दिखा उसको मार दो चलो, और पेट के लिए नहीं चूहा खा रहे हैं। चूहा अनाज का नुकसान करता है, इसलिए उसको बंदी बनाया जाता है, या इसलिए उसको मारा जाता है। अब इस आदमी को, घटिया आदमी ने खुद ही बताया, जब खुद पे आती है तब आदमी हत्यारा बन जाता है। तो खुद पे कहाँ आ गई है भाई तुम्हारे? तुम्हारे को अनाज नहीं मिल रहा, मोदी जी ने अनाज तेरा बंद कर दिया है, ऐसा बोला है क्या कि घर में जाके इसके भाई घर में अनाज मत देना? दुकानदार को बोला है? तो तुम पे क्या आई है, क्या क्या हुआ है तुम्हारे साथ? क्या तुम्हारे, तुमको अनाज नहीं हजम नहीं होता? तुम दाल चावल खा नहीं सकते? नालायक आदमी। और इसके सपोर्ट है कुछ लोग, इनको शर्म आनी चाहिए। एक आदमी ने और एक वीडियो बनाया था, उसमें उसने ये बोल दिया कि समझ लो पूरी दुनिया अगर शाकाहारी बन गई तो इतना अनाज लाएंगे कहाँ से? अरे भाई, जो कट्टल खाने हैं वो किसी ज़मीन पे ही खड़े हैं, आसमान में तो नहीं है। अब उस कट्टल खाना ज़मीन पे है तो उसी ज़मीन पे अनाज भी उग सकता है। तो एक बकरा एक का ही मांस दे सकता है, एक बकरे का एक मांस, लेकिन एक अनाज का दाना डालोगे तो 100 अनाज के दाने आएंगे। ये तुमको समझ आनी चाहिए। वहाँ पे खून वगैरह जो दिया, मैं तो बोलूँगा, मैं तस्वीरें नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं 2 दिन उठूँगा नहीं अगर वो मैंने तस्वीरें दिखा दी तो। उसमें जो खून बहता है, उस खून के लिए तुम पानी डालते, तो मतलब तुम्हारे पास पानी भी है? तुम बड़े बड़े ट्रक से जानवर भर भर के लाते हो, मतलब तुम्हारे पास ट्रांसपोर्ट भी है? तो तुम बीज नहीं मंगवा सकते, ज़मीन के लिए खाद नहीं मंगवा सकते? लेकिन तुमको गलत चीज़ें करनी है, पाप करना है, इसलिए तुम कर सकते हो। अब जो लोग गाय भैंसों को, जो बूढ़े हो जाते हैं, अरे सही बात है कि वो बाद में दूध देना बंद कर देते हैं, बैल फिर ना वो खेती बाड़ी में आपकी मदद नहीं कर सकता, तो ठीक है, आपके जेब में वो
उतना पैसा है नहीं, तो आप एक चीज़ तो कर सकते हो भाई, उसको सुबह छोड़ दो, ऐसी जगह पे छोड़ दो जहाँ पे हरियाली हो, बेचारा खा के शाम को वापस आएगा, वो गाय भैंस जो भी है वापस आएंगी, वापस शाम को पानी सिर्फ पिला देना, वो खुद का खुद ढूंढ लेंगी। क्योंकि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अपना बचा हुआ खाना तो खिला सकते हो उसको, वो है कुछ लोग ऐसे। मैंने रत्नागिरी में मारवाड़ी समाज के लोग ऐसे देखे हैं जिन्होंने एक पेटी रखी हुई है, उस पेटी में रखा हुआ है जानवरों के लिए कुछ डालो, तो लोग 1-2 रुपये डालते हैं। अब उन पैसों से वो खरीदते हैं, जिसको भूख नहीं लगी होती दोपहर को, उसके पास एक रोटी बची है, वो गाय को डालता है, बैल को डालता है, भैंस को डालता है, ऐसे भी लोग हैं। तो तुम्हारा क्या जाएगा, तुम्हारा सिर्फ जो कसाई तुमको जो 25,000-40,000 देने वाला है वो ही तुम्हारा जाएगा सिर्फ, बाकी तो तुम करे जाने वाले, तुम खाना मत डालो उसको, सिर्फ पानी पिला दो, वो खुद का खाना खुद ढूंढ लेगा। क्या बात कर रहे हो तुम लोग, पैसे नहीं आ रहे है उससे, ठीक ठीक बात है, लेकिन उसने तुमको ही कमा के दिया ना। अब यही लोग हैं जो रोते हैं जब इनके बच्चे इनको वृद्धाश्रम में डाल देते हैं, ये तुम्हारे कर्म है, तो तुमको रोने का अधिकार नहीं है, क्योंकि तुमने इनके साथ वही किया है, वही बच्चा देखेगा वही करेगा, उनके कर्म वापस आता है। किसी भी किताब में भगवान ने ये नहीं लिखा कि तुम जानवर खा जाओ या पेट के लिए जानवर खाओ, ये कभी नहीं बोला गया है किसी भी किताब में। तुम भाई इंसान हो कि जानवर हो, ये देखो शेर का उदाहरण देते हो, किसी आदमी ने एक उदाहरण दिया था कि तुम हम जब सांस लेते हैं तो अंदर भी जीव जंतु जाते हैं, वो अंदर जाके मरते हैं। जानबूझ के कोई चीज़ करना और सोच समझ के करना, गलती से होना, इसमें फर्क है। सांस लेना नेचुरल है, हम जानबूझ के किसी को नहीं मार रहे। अगर तुमको आते जाते तुम्हारे वाइफ को अगर किसी का गलती से धक्का लग गया तो तुम माफ़ करोगे, गलती से धक्का लगा है, लेकिन किसी आदमी ने जानबूझ के धक्का लगा दिया तो तुम उसको माफ़ करोगे? ये सोचने की बात है, ये तुम सोच लो, समझ में आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तुम्हारा नुकसान सिर्फ इतना है कि तुमको जो कुछ 20-25-40 हज़ार रुपये जो मिलेंगे कसाई से वो नहीं मिलेंगे, और वो नहीं मिलेंगे तुम्हारी ज़िंदगी में जाएगा क्या भाई, क्या जाएगा तुम्हारा? तुम कल को उस 40,000 रुपये में से जब यमराज बुलावा करेंगे तो तुमको ये नहीं बता सकते कि भाई मैं तुमको 15,000 देता हूँ, 20,000 देता हूँ, मेरे पाप कम कर दूँ, वो कम नहीं होने वाले। अब तुम बोलोगे कि पाप पुण्य हम नहीं मानते, तुम्हारे मानने से कुछ नहीं होता। जो लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं मान रहे थे जब नोटाबंदी में, उनके भी नोट चले गए। अगर समझ लो पाप पुण्य है नहीं, यमराज है नहीं, तो फिर भी अच्छा काम करने का सुकून मिलेगा ना, कि हमने किसी को रुलाया नहीं। एक आदमी ने एक और वीडियो डाली थी कि पेड़ पौधे में जान होते हैं, कंप्यूटर में उसने डाल के देखा कि कंप्यूटर में हलचल दिख रही है जानवरों की, इसकी पेड़ पौधों की हलचल दिख रही है कि वो पेड़ पौधों को दर्द होता है, तो तुम्हें कंप्यूटर के अंदर दिख रहा है लेकिन जानवरों को आंखों के आंसू नहीं दिख रहे, तुझे खून नहीं दिख रहा है उन जानवरों का। पेड़ पौधों में फल निकाला है तो दोबारा फल आएंगे उस पे, उसके पत्ते निकाल के उसकी सब्जी बना दी तो दोबारा पत्ते आएंगे, उनकी टांगे वापस आएंगी, उनके हाथ वापस आएंगे, उनका चमड़ा वापस आएगा। भाई तुम अगर इंसान हो, वीडियो देख रहे हो, तो कृपया इस वीडियो को वायरल कर दो, लोगों को बताना जरूरी है कि भाई शाकाहारी बनो, उसी कट्टर खाने के वो भी ज़मीन है, उसको भी अच्छा अनाज बन सकता है। क्या बात कर रहे हो तुम कि अनाज नहीं बनेगा? अब जब नौबत जब आएगी, जब अनाज नहीं मिल रहा है, तब जाके तुम सोच लो, तब है जानवर, कोशिश करो। लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि भगवान हर किसी को दाना देता है, जिसने चोच दिया है वो दाना भी देता है। लेकिन तुम्हें पाप करना है इस दुनिया में, और जो लोग कलयुग के नाम पे रो रहे हैं, कलयुग आया नहीं है, कलयुग तुमने लाया है। तुम अगर सोच बदलोगे, प्यार फैलाने की कोशिश करोगे, तो अपने आप सत्ययुग आएगा। एक आदमी ने एक और चीज़ बोली कि महंगाई बढ़ी है तो खाने का फिर और भी तकलीफ होगा आगे जाके, महंगाई बढ़ी है तो तुम्हें, मैं नॉनवेज खाता नहीं हूँ लेकिन मुझे पता है होटल के रेट्स, वेज थाली के पैसे कम होते हैं और नॉनवेज के ज़्यादा होते हैं, तुम्हें अगर महंगाई की पड़ी होती ना तो तुम वेजिटेरियन बन जाते, लेकिन तुमको तकलीफें दिखती नहीं है क्योंकि तुम इंसान हो नहीं, तुम्हारा शरीर इंसान का है लेकिन तुम्हारी आत्मा मर चुकी है। तो इस वीडियो को प्लीज़, ये नालायक आदमी का वीडियो अगर वायरल हो सकता है तो मैं खुद को अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने बातें तो अच्छी की, किसी को बचाने की बातें की, वो तो कम से कम शेयर करो मेरे भाइयों, मेहरबानी करो, जानवरों के लिए कुछ करो, वो तुमको दुआ देंगे।